हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS हंगरी T10 2024 की जो सीरीज चल रही है इसके 14वें और आज के दिन के चौथे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा डैन्यूबियन कंगारूज वर्सेस बुडापेस्ट जलामी के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6:30 बजे स्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 17 जुलाई 2024 आज की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो जीबी ओवल जॉडली गेट हंगरी में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 150 से लेकर 160 का बन रहा है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस वेन्यू पर 12 मैच हो चुके हैं जिसमें से 4 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 8 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। ठीक है, इधर 7 की जगह 8 कर देना, मैं हमने बढ़ाया नहीं है, 8 मैच जीत चुके हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बुडापेस्ट जलामी की, जिसके इस टूर्नामेंट में 4 मैच हुए हैं जिसमें से 3 मैच जीती है और 1 मैच इनकी टीम हारी है और 1 मैच इनका आज ही के दिन में हुआ है। ठीक है, और उसमें भी जीत गई है मैच लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी थी। ठीक है, लेकिन मजबूत है टीम और एक्सपीरियंस प्लेयरों की भरमार है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के प्लेयरों के सभी प्लेयरों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। कौन सा प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है इस टूर्नामेंट में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ टीम भी बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाए कैसे कैसे प्लेयरों को अपने किस वजह से ले रहे हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बुडापेस्ट जलामी की, जिसके इस टूर्नामेंट में 4 मैच हुए हैं जिसमें से 3 मैच जीती है और मात्र 1 मैच इनकी टीम हारी है और लास्ट मैच आज ही के दिन में अभी खत्म हुआ है, उसी का हमने बैटिंग ऑर्डर सेट कर रखा। तो पहला प्लेयर आज ओपनिंग करने आया था कैबर दिलदार, जिसने 4 मैच में 39 रन बनाए और जो आज का पहला मैच हुआ उसमें 0 रन पर आउट हो गया। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 65 मैच में 18 की एवरेज से 629 रन है, 22 ओवर की गेंदबाजी, 12 विकेट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता है, भले पहले मैच में 0 पर आउट हो गया लेकिन आज ओपनिंग आया था इस वजह से अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन की बात करें 90% है, बिल्कुल आपको पिक करना है। ठीक है, उसके बाद है जेसन कुकहिल, जिसने 4 मैच में 43 रन बनाए, 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए। पहले 2 मैचों में इस प्लेयर ने गेंदबाजी नहीं करवाई थी लेकिन जो आखिरी के दोनों मैच हुए यानी लास्ट मैच उसमें दोनों गेम मैचों में इसने 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई है और इस वजह से एक मस्ट पिक प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इसको बना सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 97% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड 70 मैच में 1799 रन, 32 की एवरेज से 93 ओवर की गेंदबाजी, 59 विकेट। उसके बाद है उस्मान महमूद, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है, नंबर 3 पर बैटिंग साथ ही मिडल ओवर्स में गेंदबाजी दे रहा है। इस टूर्नामेंट के 4 मैच में 129 रन बनाए, 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। सिलेक्शन की बात करें 94% है, बिल्कुल आपको पिक करना है, एक ओवर डेथ में डालता है, एक ओवर मिडल ओवर्स में डालता है। उसके बाद है साद रिया, जिसने पहला मैच ही खेला था अभी लास्ट वाला, जिसमें 35 रन की बढ़िया पारी खेली, तो ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बैटिंग में क्योंकि सामने वाली टीम इतनी मजबूत नहीं है तो इसकी परफॉर्मेंस करने की उम्मीद अच्छी खासी है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है अहरम सुल्तान, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 81 रन बनाए, 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। पहले 2 मैचों में इस प्लेयर ने गेंदबाजी करवाई लेकिन लास्ट का जो मैच अभी खत्म हुआ है उसमें इसको गेंदबाजी नहीं मिली और ऐसी चीजें इस टूर्नामेंट में कंपलसरी चल रही है। तो इस टूर्नामेंट में खाली आपको खाली ग्रैंड लीग खेलना है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं खेलना है, मिनी ग्रैंड लीग भी नहीं खेलना है ना हेड टू हेड खेलना है, खाली ग्रैंड लीग पे फोकस रखना है। आरम सुल्तान को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन 73% है, स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी दे सकता है, लास्ट मैच में नहीं करवाई। ठीक है, लेकिन बैटिंग नंबर 4-5 पर कर रहा है। उसके बाद है उल्ला साकिर, 4 मैच में 6 रन बनाए, 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। उसके बाद है कुकहिल इजराइल उल्ला, जिसने 4 मैच में 0 रन बनाए, 6 रन बनाए, ठीक है, 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया है, तो बॉलिंग कम करवा रहा है इस वजह से इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है सादत सैद, 4 मैच में 8 ओवर 1 विकेट, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है इसलिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें 32% इसका सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी देगा। उसके बाद है उमर जामिल, 2 मैच में 1 रन। उसके बाद है अब्दुल्ला मिर्जा, 3 मैच में 1 रन। उसके बाद है अक्रीमुल्ला मलिक जाड़ा, 4 मैच में 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। सिलेक्शन 74% है। ठीक है, बेंच पर से इस टीम की तरफ से कोई सा भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बात करते हैं डैन्यूबियन कंगारूज की, जिसके इस टूर्नामेंट में 3 मैच हुए और 3 में से तीनों के तीनों मैच इनकी टीम हारी है और आज भी 1 मैच इनका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर लिख रखा है। तो पहला प्लेयर है जेल्टन मोरोसी, जिसने 3 मैच में 46 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ पार्ट टाइम तौर पे आपको गेंदबाजी दे सकता है। सिलेक्शन की बात करें 72% है, पिक कर सकते हैं अपन इसको। उसके बाद है मैटी अन्सवॉर्थ, जिसने 3 मैच में 3 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, बॉलिंग कम करवा रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट लेके जाता है, इस वजह से ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा 83%, बिल्कुल पिक कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, उसके बाद है रॉबी अन्सवॉर्थ, जिसने 3 मैच में 122 रन बनाए,
और 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए विकेट लेस गया, या बैटिंग से अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और बॉलिंग तो करवा रहा है, बॉलिंग से भले ही विकेट नहीं मिले हो लेकिन बॉलिंग कंफर्म करा रहा है, इस वजह से इसको भी सेलेक्ट करना है और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 85% है और ओवरऑल रिकॉर्ड T20 का 34 मैच में 179 रन, 10 की एवरेज से 92 ओवर की गेंदबाजी, 19 विकेट। उसके बाद है आर्थर वु एडवर्ड, 3 मैच में 5 ओवर 3 विकेट, और जो ये 3 विकेट लिए इसने लास्ट मैच में लिए, तो जो सामने वाली टीम थोड़ी वीक थी लेकिन जो आज की टीम है वो थोड़ी मजबूत है, लेकिन लास्ट मैच में यह नंबर 4 पर बैटिंग करने भी आया था, साथ ही गेंदबाजी तो करवाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 39% है। उसके बाद है गबोर तारुक, जिसने 3 मैच में 38 रन बनाया और लास्ट मैच में इसने बढ़िया 36 रन की पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में 1 ओवर की गेंदबाजी भी करवाई जिसमें विकेट लेस गया, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है लियो ब्लूमफील्ड, 3 मैच में 10 रन। उसके बाद है एडम गल, जिसने 3 मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाई, 2 विकेट लिए, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी दे रहा है, ठीक है। और इन सभी प्लेयरों का आप ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हो, क्योंकि 3 मैच हो गए तो अपने को ज्यादा जानकारी की जरूरत भी नहीं है इनके ओवरऑल रिकॉर्ड की, क्योंकि इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अपन प्लेयर को जज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडम गुल को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। उसके बाद है टॉम वायमैन, 3 मैच में 1 ओवर 0 विकेट। उसके बाद है प्रमोद शर्मा, 1 ही मैच खेला है, बैटिंग बॉलिंग नहीं करा। इसके बाद है चार्ली इंग्लिश, 1 मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं। और इसके बाद है गबोर नैगी, जिसने 3 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर आ रहे हैं ऊपर के 4-5 प्लेयर, ठीक है, ऊपर के 5 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए एक एडम गुल को भी ट्राई कर लेते हैं, या अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, या डेमो टीम तैयार हुई है इसलिए भी सेलेक्ट करा है। कैप्टनसी की बात करें तो इस मैच में कैप्टनसी का चॉइस जेसन खान है या फिर उस्मान महमूद, दोनों में से किसी भी प्लेयर को आप बना सकते हो। उस्मान महमूद की अच्छा है कि बॉलिंग भी डाल रहा है और विकेट भी लेके जा रहा है और बैटिंग नंबर 3 पर कर रहा है, और लास्ट 2 मैचों से बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, इसलिए अपन इसको जरूर सेलेक्ट करेंगे, कैप्टन इसको बनाएंगे। वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए जेसन खान को बना दो और या डेमो टीम आप सेव कर लो। डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।